रणनीति तो बड़े सेना और सेना अध्यक्ष होते हैं तो बनाते हैं, हम लोग तो आम लोग हैं, श्रद्धालु हैं आम, हम क्या रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब किसी को मारा जाता है, चोट लगती है तो चिल्लाता है, ये स्वाभाविक है, चाहे बड़े आदमी को मारो चाहे छोटे आदमी को मारो। तो हम लोगों को जो चोट मारी जा रही है, हमारे देवताओं की मूर्ति पे जो प्रहार किया जा रहा है, वो हमारे हृदय पे लग रहा है, क्योंकि हमारा हृदय उस मूर्ति से जुड़ा हुआ है, उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो हमको जो चोट लग रही है उससे हम चिल्लाना तो स्वाभाविक है, हमारा बनता है, उतना तो हमको हक हमको है। तो हम ये जो हमारी चिल्लाहट है इसको बढ़ाना चाहेंगे, और बढ़ाने का जरिया यही है कि हमारी पीड़ा को जो अनुभव करेगा, जैसे हम चिल्ला रहे हैं वो भी चिल्लाने लगेगा। जब कई लोग मिल के चिल्लाएंगे तो आवाज़ बढ़ेगी, क्योंकि सरकारों को चाहिए कि आकर के हम लोगों की बात सुने और निराकरण करें, लेकिन लंबा समय हो गया आंदोलन करते हुए सुन नहीं रही हैं। तो स्वाभाविक है कि बड़ी आवाज़ बनाना पड़ेगा, उस बड़ी आवाज़ बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। भाई चुनार के हैं तो वो जगह हमको बता दीजिए कि वो चुनार में कहाँ से आए हैं और काशी में आकर के क्यों फेंके गए हैं। कोई आदमी अगर मलबा डंप करता है तो अगल बगल में कर देता है, चुनार जैसी जगह से चल करके तीर्थ करने आएगा मलबा काशी? आप बताओ हमको, बाहर अधिकारी महोदय आप कैसी स्थापना कर रहे हो, ऐसा करो कि आदमी को पच जाए, ऐसी बात बोलो कि कम से कम झूठ भी हो तो पच जाए। आप तो ऐसा बोल रहे हो, क्या चुनार से मलबा काशी तीर्थ यात्रा करने आ रहा है? तो कैसे आ गया काशी में, और चुनार में वो कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह का मकान तोड़ा गया है जिसमें पुराने लखौरी पुराने ईंटा हैं, पुराना गारा है, पुराने पत्थर हैं, नक्काशी है, मंदिर है, मूर्ति है, वो कौन सा जगह है जो तोड़ी गई है, जो वहाँ से मलबा आया, वो दिखाइए हमको चल के, हम चुनार चल के देखने को तैयार हैं। 28, 29, 30 जनवरी 2019 प्रयाग में जो अर्धकुंभ का मेला लगा हुआ है उसी में परम धर्म संसद का दूसरा अधिवेशन होगा, जिसमें काशी में तोड़े जा रहे मंदिरों के बारे में और जो ये मूर्तियों का अपमान हो रहा है विशेष करके, इसके बारे में पूरे देश और पूरे विश्व के लोग जो आएंगे उनके बीच में चर्चा होगी, और ये संदेश सब जगह प्रेषित किया जाएगा औपचारिक रूप से। वहाँ से हम लोग मशाल देंगे एक कि ले जाकर के लोगों को बताओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम अनुरोध कर रहे हैं सरकारों से कि आप अभी भी सामने आइए, बात करिए। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारा केवल धार्मिक एजेंडा है। हमारे मंदिरों को मत तोड़ो, छोड़ दो, हम बोलना चुप कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रुको, आप तोड़ते ही जाओगे मंदिरों को, आप हमारी मूर्तियों को तोड़ के फेंकते जाओगे, मलबे में वो मिलेंगी और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो स्वाभाविक है कि हम अपनी आवाज़ को इतनी ऊंची करेंगे कि फिर आपको नहीं सुनाई देती है, कम से कम ये तो ना कह सको आप।